हेलो एवरीबॉडी। तो रिजल्ट आ गए हैं दोनों, 10th और 12th के। और आज मैं बिजी था क्योंकि बच्चे आ रहे थे बहुत सारे कोचिंग के, और लगातार बच्चों के मैसेज, फ़ोन, बच्चे मिठाई लेके आ रहे थे, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया। 10th का भी रिजल्ट आ गया था थोड़ी देर बाद ही, जैसे कि आपको पता हो। तो हमारी कोचिंग का तो 100% रिज़ल्ट है भाई, अनुराग दे क्लासेस का। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि बच्चों की मेहनत काम आई और हमारी मेहनत भी काम आई। फिलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर हमारी कंपार्टमेंट आ गई है, हम ऑनलाइन पढ़ते थे, एक बड़े अटैक से पढ़ते थे, हमारा क्या होगा सर अब। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 10th और 12th के जो रिजल्ट हैं ये लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं आपकी, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना आप सोचते हो इन्हें। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि 10th की जो मार्कशीट होती है दैट इज़ योर एज सर्टिफिकेट, और 12th की जो मार्कशीट होती है, एक मिनट लाइट जलाता हूँ, वो आपको एडमिशन लेने में हेल्प करती है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एक मिनट, इन मार्कशीट्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू होती है कि आप आगे किस तरह अपनी लाइफ को लेकर चलते हो और किस तरह आप आगे अपनी लाइफ को मजबूत करते हो। तो मैं बस थोड़ी सी बातें बताऊंगा आपको, मेरे पास कुछ डेटा है रिजल्ट का। जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, एक अभी मेरे पास मैडम का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, वो सुसाइड की बात कर रही हैं। बच्चे की मम्मी, बच्चे के पापा की डेथ हो गई थी कोविड में, बच्ची है उनकी 10वीं में, और उसके 10वीं में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है सहारनपुर में। तो वो मम्मी लिख रही हैं कि मैं बस अब सुसाइड करना चाहती हूँ कि मैं थक चुकी हूँ। मैं एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पढ़ाना, और बच्ची मैथ और साइंस से डरी हुई है जब से उसके पापा गए हैं, क्योंकि उसके पापा जब हॉस्पिटल गए थे तो इतने खराब हालत में नहीं थे, वो कह के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद बच्ची ने डेड बॉडी देखी पापा की, तो बच्ची शॉक में चली गई और पढ़ाई से उसका मामला बिगड़ चुका है। तो इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो 12th की है वो 87.98 यानी कि 88% है, और लास्ट ईयर से थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, 0.5% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। और अगर हम 10th की बात करते हैं तो 10th का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 10th का रिजल्ट तो आपको बताइए कि 10th में तो 93.6% बच्चे पास हो गए हैं। तो 10th का रिजल्ट मैंने जितना बताया था, एग्जैक्ट कमाल की बात ये देखिए कि जितना रिजल्ट मैंने बताया था उतना ही रिजल्ट आ रहा है। एग्जैक्ट मैंने भविष्यवाणी करी थी, पिछली वीडियो आप मेरे देख रहे होंगे जो बच्चे लगातार देखते कमेंट करना, कि 12th का रिजल्ट आएगा 85 से 90 के बीच में, 88 आया, और मैंने कहा था 10th का रिजल्ट आएगा 90 to 95, और 93.6 यानी कि 94% मान लो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरा अंदाज़ा इतना तगड़ा निकलना। तो आप रिजल्ट डिजी लॉकर पे चेक कर सकते हो, अपने स्कूल जाके चेक कर सकते हो, या उमंग पे भी आप चेक कर सकते हो ये रिजल्ट। तो सीबीएसई 10वीं का जो रिजल्ट है वो कंपार्टमेंट के बच्चे भी इस बार कम है। कंपार्टमेंट के बच्चे लास्ट ईयर 6.22% थे, इस बार 5.91% है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टूडेंट्स को 33% नंबर लाने होते हैं टोटल पास होने के लिए। अब सीबीएसई अपनी काउंसलिंग सेशन शुरू करेगी 14 मई से। सीबीएसई 10th का जो इंस्टीट्यूट वाइज पास परसेंटेज है वो है JNV और KV 99.09% 10th का। इंडिपेंडेंट मतलब प्राइवेट बच्चे 94.54%, CTSA 94.4%, गवर्नमेंट 86.72% और गवर्नमेंट एडिड 83.95%। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूलों का गड़बड़ है, प्राइवेट स्कूलों का अच्छा है। कई बच्चे बहुत खुशी से चिल्ला भी रहे हैं, मैं अंदर रूम में आया हूँ इसलिए, क्योंकि बाहर अभी पेरेंट्स खड़े हुए हैं, और कई बच्चे दुखी भी होंगे इस टाइम, मैं समझ सकता हूँ इस बात को भी। तो जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनके सामने आप अपने रिजल्ट ना बताएं जिनका अच्छा आया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आप उन बच्चों के सामने ज़्यादा खुश ना हो जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम 15 जुलाई से होंगे 10वीं 12वीं के। सप्लीमेंट्री जिनकी आई है मैं उनके लिए बैच शुरू करूंगा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसकी फीस केवल 1000 रुपये होगी, बेड़ा पार बैच सप्लीमेंट्री का, वो आप आ सकते हो। और CBSE will be issuing the merit certificate to the top 0.1% of the students who have scored the highest marks. मतलब top 0.1% बच्चों को CBSE merit certificate देगी, पर merit list publish नहीं करेगी। तो CBSE का रिजल्ट जो है पिछले साल से 0.65% ज़्यादा है 12th का, और 10th का तो काफ़ी अच्छा है। 16,33,730 बच्चों में से रजिस्टर्ड हुए थे 12वीं के, और 16,21,224 बच्चे पास इसमें अपियर हुए थे, और इनमें से 14,26,420 बच्चे ने एग्जाम पास कर दिया है। तो बस ठीक है, यही बताना था। मैं आपसे ये कहूँगा कि मोदी जी ने भी
ट्वीट किया है इसके बारे में। मोदी जी ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव सक्सेसफुली पास द सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम। आई एम इमेंसली प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट एंड योर रिलेंटलेस डेडिकेशन। आई ऑल्सो एक्नोलेज द एफर्ट ऑफ योर सपोर्टिव फैमिलीज एंड डेडिकेटेड एजुकेटर्स हुज, आगे तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। और बस ठीक है, बहुत, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक का ये सबसे बड़ा रिजल्ट है जो एक दिन में ही पब्लिश कर दिया गया है। अब तक इतना बड़ा रिजल्ट एक दिन में पब्लिश नहीं हुआ सीबीएसई का। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ कोई गलत थॉट मत लाना अपने अंदर। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, सब अच्छा हो जाएगा। एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, मार्कशीट को मार्कशीट की तरह लो। अगर कंपार्टमेंट आई हो तो कंपार्टमेंट दे दो, अगर दो तीन सब्जेक्ट में नंबर कम है तो इंप्रूवमेंट अगले साल आप दे सकते हो। रिजल्ट हमारी मेहनत का प्रतिबिंब होता है, जो किया वो सामने आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।